हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों का हालचाल। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लोग अच्छे हैं। तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और टेक सुपरजीत में अभी सभी लोगों का स्वागत है। सारे फोन अब लॉन्च होने वाला है और Xiaomi भी अब रुका हुआ भी नहीं है क्योंकि Xiaomi अपना न्यू फोन लॉन्च करने की बहुत करीबी मौके में आ चुका है। तो गाइस Xiaomi का 12 सीरीज का जो दो फोन लॉन्च होने वाला है वो है Xiaomi 12 Pro Plus और 12 Pro। तो आज 12 Pro Plus के बारे में हम बताएंगे, 12 Pro के बारे में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आप सभी लोगों को। तो गाइस Redmi ने 5 जनवरी को 2023 में लॉन्च करने वाला है अपने न्यू सेगमेंट का बहुत सारे एक दो वेरिएंट का फोन, वो है Redmi 12 Pro Plus और Redmi 12 Pro। तो गाइस आज उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो अगर हम Redmi फोन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें जो जो चीज देखने को मिलता है, तो गाइस जो Redmi का जो फ्लैगशिप जो वेरिएंट है वही हमें इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी एकदम करक मस्त होने वाला है। और गाइस इस फोन के अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है 6.67 इंच का एक फुल्ली एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, और हमें पंच होल डिस्प्ले मिलेगा गाइस। और ये जो फोन है वो हमें तीन वेरिएंट में आता है। तो गाइस ये फोन तीन वेरिएंट में आने वाला है। पहला जो वेरिएंट है वो है दो कलर में वेरिएंट है, तीन वेरिएंट में आने वाला है, वो है 128GB प्लस 6GB रैम के साथ, 128GB प्लस 8GB रैम के साथ, और 256GB प्लस 8GB रैम के साथ तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। और ये डील फ्लिपकार्ट में 5 जनवरी को 2023 में आपको देखने को मिलेगा दोपहर 12 बजे। तो गाइस क्या बताऊँ, रेडमी एक फुली बजट जो फोन है लॉन्च करने वाला है, एकदम करक फोन होने वाला है। अगर आप इस रेडमी फोन के अगर कैमरा के बारे में बात करें तो हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है 16MP का एक अच्छा सा कैमरा, थोड़ा मैं हाई कैमरा नहीं बताऊंगा, पर 16MP का एक बहुत ही बढ़िया फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। जो बैक कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा के साथ आता है। तो इसका जो हाइप बना हुआ है Redmi 12 Pro Plus का वो है 200MP का एक बहुत ही तगड़ा कैमरा भी देखने को मिलता है, और वो भी OIOS के साथ। तो गाइस इसके जो बैटरी की हम बात करें वो है 5000mAh की बैटरी, और उसके जो बैटरी का जो चार्जर हमें देखने को मिलता है वो है 120Hz का एक बहुत ही टार्गो चार्जर हमें देखने को मिलता है। और गाइस अगर इसके रैम की अगर हम बात करें वो है LPDDR4X का रैम हमें देखने को मिलता है, स्टोरेज UFS का एक स्टोरेज देखने को मिलता है। और गाइस ये जो फोन है इस फोन में लेटेस्ट जनरेशन का MediaTek Dimensity का 1080 का एक 6nm बेस पर एक MediaTek का चिपसेट हमें देखने को मिलता है। ये जो चिपसेट है ये बहुत ही फिलहाल हमें नया नया देखने को मिला है, बहुत सारे फोनों में अब आने वाला है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है वो है Realme 10 Pro Plus में। तो गाइस Redmi जो ये जो फोन जो लॉन्च करने वाला है इस फोन के हमें अंदर देखने को मिलता है Dolby Atmos का देखने को मिलता है, वो भी स्टीरियो स्पीकर के साथ। और इसके जो फिंगरप्रिंट के अगर हम बात करें वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, हेडफोन जैक देखने को हमें नहीं मिलता है इसके अंदर, टाइप सी चार्जर के साथ। इस अगर हम इस Redmi 12 सीरीज के अगर हम बजट की अगर बात करें तो इस बजट के मेरे हिसाब से ये जो फीचर्स वो लोग दे रहे हैं इस Redmi फोन के अंदर, मेरे हिसाब से बजट होगा 26,000 to 27,000 के आसपास, क्योंकि देखा जाए तो ऑल ओवर एक पैकेज के साथ Redmi आपको प्रोवाइड कर रहा है ये फोन, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा ये फोन, जरूर परचेस करने की कोशिश करें इस फोन। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कमेंट जरूर करते हुए जाना, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं अभी सभी लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही।